मध्य प्रदेश में हट सकती है तबादलों पर लगी रोक। अगली कैबिनेट में नई तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। 10 से 15 दिन के लिए रोक हटाने की तैयारी। स्कूल शिक्षा विभाग में भी हो सकेंगे ट्रांसफर्स। 10 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र, 4 दिन चलेगा सदन, तैयारियां हुई तेज। लव जिहाद पर सीएम का प्रहार, कहा प्रदेश में लव चलेगा लेकिन जिहाद नहीं। ब्राह्मण महाकुंभ में घोषणाओं की लगाई झड़ी। इंदौर में मुस्लिम युवक ने दी युवती को हत्या की धमकी। पिछले 6 महीने से कर रहा था परेशान, शिकायत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज। एमपी में शहर बवाल, मुरैना में 2 पक्षों में संग्राम। भिंड में युवक के साथ बेरहमी। ग्वालियर में अवैध कब्जा हटाने पहुंची टीम से भिड़ा ग्रामीण, एसडीएम ने चढ़ा थप्पड़। नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात। भिंड से खबर, जहां पर युवक के साथ मारपीट की तस्वीर सामने आई है। बेरहमी से युवक को पीटा गया है। भिंड में वीडियो वायरल हो रहा है। 5 लोगों ने लाठी डंडों लात घूसों और बेल्ट से इस युवक को जमकर पीटा है। ये 7 दिन पुराना वीडियो बताया जाता है। अमायन थाना इलाके के मेहरा गांव की यह घटना है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने पर विवाद हो गया, जिसके बाद सरकारी टीम और अतिक्रमणकारियों में कहासुनी होने शुरू हो गई। पनिहार के धिरौली गांव में यह विवाद हुआ और नरेश यादव पर सरकारी हैंडपंप पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप है। कब्जा हटाने के लिए टीम पहुंची थी। एसडीएम और पीएचई टीम से उसने बहस की। विवाद में एसडीएम ने कब्जाधारी पर हाथ उठा दिया। कब्जाधारियों को पुलिस के हवाले किया गया। पीएचई के अधिकारी अनमोल कोछड़ ने कब्जाधारियों की शिकायत की। आरोपी नरेश यादव समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पनिहार थाना क्षेत्र के अरमधा धिरौली गांव की घटना है। तस्वीर आप देख रहे हैं। इंदौर में मुस्लिम युवक ने एक युवती को हत्या की धमकी दी है। पिछले 6 महीने से ये युवक इस युवती को परेशान कर रहा था और इस आरोपी का नाम रियाज खान बताया जाता है, जो कि विजयनगर थाना क्षेत्र में जिसने इस युवती को धमकी दी है। मेघदूत उपवन जो है उसके सामने ये पूरी घटना हुई। युवती को इसने रोका और धमकाया है। युवती ने चीखा, जिसके बाद आरोपी भाग निकला, धमकी देकर फरार हुआ है। युवती को आरोपी ने हत्या की धमकी देते हुए कहा है कि तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे मार डालूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा। पीड़िता की शिकायत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कर दिया गया। चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी के बाद लव जिहाद में फंसी युवतियों के वापस लौटने के मामले में तेजी सामने आ रही है। इंदौर में एक बार फिर से एक हिंदू युवती लव जिहाद का शिकार होने से बच गई। एक हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की, फिर असलियत सामने आने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल कर धमकी देने लगा। हिंदू युवती का कहना है कि शोएब खान ने संदीप यादव बनकर उससे पहले दोस्ती की, फिर घुमाने ले गया। इस दौरान उसने कुछ फोटो खींचे, लेकिन कुछ महीनों के बाद शोएब की हकीकत पता चली तो उसने बात करना बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी फोटो वायरल करने के लिए धमकी देने लगा। परेशान होकर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चंदननगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चंदननगर में एक छेड़छाड़ का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें वो आरोपी जो है वो खंडवा का रहने वाला है और जो फरियादिया है वो भी खंडवा में थी, पढ़ती थी, तो वहाँ पे उसका कहना है कि नाम बदल के किसी और नाम के साथ उससे मिलता था और फिर बाद में फिर जो है यहाँ पे इंदौर में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिस पर मुकदमा कायम किया गया है और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। लव जिहाद के मामले थम नहीं रहे और इस बार नया मामला सामने आया है। भोपाल में 30 मई को लड़की की शादी थी, लेकिन परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम युवक लड़की को बरगला कर अपने साथ ले गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है। उधर सीएम ने फिर से कह दिया है कि लव बर्दाश्त होगा लेकिन जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
पूरे देश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद के शिकार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कई मामलों में उनकी जान तक जा रही है। इसके बावजूद लव जिहाद का जाल फैलता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता कानून भी लागू है, लेकिन फिर भी हिंदू लड़कियां इस बड़ी साजिश का टारगेट बन रही हैं। ताजा मामला सामने आया है राजधानी भोपाल से। यहां पर हिंदू परिवार ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी को बरगला कर साथ ले गया। इतना ही नहीं, लड़की की 30 मई को शादी थी, लेकिन इससे पहले भी मुस्लिम युवक उसे ले गया। परिजनों का आरोप है कि बीते एक साल से मुस्लिम युवक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो आदतन अपराधी है और एक लड़की के साथ रेप का भी आरोप लग चुका है। मुस्लिम लड़का यूसुफ खान मेरी लड़की को 11 मई दिन में भगाकर ले गया, जिसकी मैंने FIR कराई तो मेरी लड़की का माइंड वॉश कर दिया गया है, जिसके कारण वे थाने में बुर्का पहनकर आई। हालांकि MP सरकार लव जिहाद को लेकर काफी सख्त रही है। सूबे में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी लागू है। खुद CM शिवराज सिंह चौहान भी कई मौकों पर लव जिहाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखा चुके हैं। इस बार भी CM शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि सूबे में लव बर्दाश्त है, लेकिन जिहाद नहीं। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भी बड़ा बयान आया। गुजरात के वडोदरा में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लव जिहाद में बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने मंत्र दिया कि घर के बाहर झंडा लगाएं, तिलक करें और मंगलवार को बच्चों को मंदिर ले जाएं। जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी बोली वाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। एक तरफ लव जिहाद के खिलाफ कानून का डंडा है, दूसरी तरफ पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा भी लगातार अलख जगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लव जिहाद के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। भोपाल में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में लव जिहाद का विरोध हुआ। बीजेपी के विधायक ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू के घर जो बेटी पैदा होगी वह अकबर और हुमायूं के घर नहीं जाएगी, हिंदू की बेटी अब केवल राम श्याम के घर ही जाएगी। आपको तरफ इंगित किया है लव जिहाद। बताओ लव जिहाद के विरोध में हो या नहीं, हाथ उठाकर बताइए। इधर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री सुर्खियों में हैं। भक्तों की संख्या बढ़ रही है और लड़कियों में भी उनके प्रति क्रेज देखने को मिल रहा है। बागेश्वर बाबा से शादी की इच्छा जताते हुए MBBS छात्रा पद यात्रा पर निकल गई है। छात्रा गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सिर पर गंगा जल का कलश लेकर पद यात्रा कर रही है। धीरेंद्र शास्त्री से शादी की मनोकामना रखने वाली छात्रा का नाम शिवरंजनी तिवारी है। शिवरंजनी ने MBBS की पढ़ाई की है। शिवरंजनी गंगोत्री धाम से सिर पर कलश लेकर पद यात्रा कर रही है। चित्रकूट स्थित संतोषी अखाड़ा वो पहुंची, लेकिन इस बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं। साधु संतों की नगरी चित्रकूट पहुंची शिवरंजनी ने बाबाओं से आशीर्वाद लिया। साधु संतों ने उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीष दिया है। विदिशा जिला अस्पताल के मोर्चुरी में चूहों ने बुजुर्ग का शव कुतर दिया। चूहों ने शव की नाक और हाथ को नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के 78 साल के रमेश अकेले विदिशा में रहते थे। इनके शुक्रवार को बुलेट की टक्कर की वजह से घायल होने के बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए बुजुर्ग के शव को मोर्चुरी में रखा गया, लेकिन रात को चूहों ने शव को कुतरना शुरू कर दिया। घटना को लेकर बुजुर्ग के परिचितों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रबंधन कह रहा है कि व्यवस्था
सुधारी जाएगी। संभव तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि मोर्चरी में शवरूम में कोई घुस सकता है, ताला लगा रहता है और वहाँ पे पूरा पैक रहता है, ऐसे कोई सी संभव घुसने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। और फिर भी यदि आप ऐसा बोलते हैं, आपके द्वारा ऐसा बताया जाता है, तो मैं उसकी जाँच कराऊँगा और यदि कुछ पाता है उसमें तो उसकी संबंधित कार्रवाई की। उज्जैन में 27 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने 27 मेडिकल स्टोर यानी दवा की दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। 27 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त क्यों किए गए? दरअसल अनियमितता और अन्य शिकायतें इनके खिलाफ मिली थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक हट सकती है। अगली कैबिनेट में नई तबादला नीति को मंजूरी दी जा सकती है। तबादला नीति पर मंजूरी के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में भी तबादले हो पाएंगे। 10 से 15 दिन के लिए तबादलों पर रोक हटाने की तैयारी है। कैबिनेट की बैठक में ये तबादला नीति का मसौदा पेश किया जा सकता है। बढ़ते आगे, विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को पीएम मोदी इंदौर के सिरपुर और यशवंत नगर सागर तालाब को वर्चुअली देखेंगे। शहर की दोनों धरोहरें रामसर साइट्स पर हैं। आज इंदौर सांसद सिरपुर तालाब पहुंचे, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सफाई के साथ साथ जल स्रोतों को सहेजने में भी इंदौर आगे है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में मेयर पुष्यमित्र भार्गव समेत विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहने वाले हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित किरार और धाकर समाज के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। किरार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह ने अलग अंदाज में सीएम का परिचय कराया। सीएम ने कहा कि हम सभी को समाज को आगे बढ़ाना है। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम सभी समाज के हर बच्चे को शिक्षित करने का संकल्प। हमारा बेहतर ढंग से शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा पहली चीज है। और जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं आप कि हमारे अगल बगल हमारे गांव में अगर कोई गरीब बेटा बेटी है तो वो भी शिक्षा से वंचित ना रहे। अगर उसमें क्षमता, अगर उसमें योग्यता है, अगर उसमें प्रतिभा है तो बताइए पैसे के कारण उसको पिछड़ना चलेगा? अरे सबसे पूछा पिछड़ना चाहिए क्या? पैसे के कारण पिछड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए सरकार की अपनी योजना, मुख्यमंत्री मेरा भी विचार की योजना जिसमें मामा ने तय किया 70% से ज्यादा जन्म पढ़ाएंगे और उसके बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। चुनावी साल में टिकट के लिए खींचतान नई बात नहीं। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो बीजेपी के पुराने और नए नेताओं के बीच खींचतान अब भी से शुरू हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी अपने पुराने नेता और सिंधिया समर्थकों के बीच तालमेल बैठाने के लिए लगातार ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस कर रही है। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी जीतू जिराती ने स्वीकार किया कि बीजेपी में टिकट के दावेदार लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी सर्वे में अव्वल और जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस में तो सिर्फ हुट अव्वल जैसे हालात हैं। जैसे जैसे चुनाव के समय आता जाएगा तब तब वो बातें भी सामने आएंगी जो बातें हुई नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी है और ये दल आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और यही मध्य प्रदेश की और हमारे अगर यहाँ की बात है तो हमारे सब बड़े नेता हैं, सब मिलकर के हमने पहले भी अच्छे प्रयास किए हैं और अभी भी अच्छे प्रयास करेंगे। कांग्रेस का सर फट्टोवल पूरी तरह से उजागर है। कल के कांग्रेस के नेता आज के शीर्षस्थ बनना चाहते हैं। छोटे छोटे अनुभवहीन नेता इस देश का, इस प्रदेश का नेतृत्व करने के सपने देख रहे हैं। ऐसे कई सारी चीजें निकल करके अभी आपके बीच में आएंगे, सामने आएंगे। जो जो नेतृत्व है कांग्रेस का, कमलनाथ जी जैसे बड़े सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह जी जैसे सीनियर लीडर हैं, उनकी लीडरशिप को कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है।
इधर मध्य प्रदेश में साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के हर वोटर पर नजर है। यह वजह है कि बच्चों के बहाने अभिभावकों को साधने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में इंदौर में बीजेपी ने बड़े होटल में 51 बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट कराया। होटल में बच्चों को भोजन कराया गया, उन्हें चॉकलेट और गिफ्ट दिए गए। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। बीजेपी के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह आयोजन पार्टी की ओर से किया गया था। भिंड में कांग्रेस नेता की जुबान फिसल गई। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष की जुबान फिसली। खिजर मोहम्मद कुरैशी की जुबान फिसल गई और चुनाव लड़ने के लिए कहा कि प्रज्ञा ठाकुर आ जाएं या फिर अपनी ही पार्टी के नेता का नाम ले लिया, दिग्विजय सिंह आ जाएं, सबको मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि लाहौर में गोविंद सिंह को हराने वाला कोई है ही नहीं, उनकी जड़ें गहरी हैं। सुनिए क्या कहा। आ जाए दिग्विजय सिंह, आ जाए जो उनके आ जाए और वहां से विधानसभा से लाहौर से लड़े, मुंह की खाके वापिस जाना पड़ेगा। डॉक्टर गोविंद सिंह का कोई विकल्प नहीं है। गांव गांव गली गली उस आदमी की जड़ें इतनी गहरी, उससे डॉक्टर गोविंद सिंह ऊपर दिखते हैं ना, उससे 10 गुना गहरे उनके स्थायी तरीके से कदम है। डॉक्टर गोविंद सिंह 24 घंटे की राजनीति करते हैं, तो क्या वर्षों से तरफा जनता का काम करते हैं, उन्हें कोई नहीं ला सकता। इधर मंडला जिले के कुछ मजदूरों को महोबा जिले में बंधक बनाने का मामला आया। पुलिस और जन सहायता केंद्र को जानकारी मिली, जिसके बाद पांचों मजदूर जो थे जहां मजदूरी करा रहे थे उनसे उनको मुक्त कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। जिले के निवास विकास खंड के 3 गांव के 5 लोगों को ज्यादा रुपयों का लालच देकर काम कराने के लिए 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के महोबा ले जाया गया, जहां ठेकेदार ने उनसे बोरिंग कराने के लिए दिन और रात काम कराया, इसके एवज में 1 रुपया तक नहीं दिया। परिजनों की शिकायत के बाद उन्हें मुक्त कराया गया। हमारे यहाँ के 5 लड़के थे, वो वहाँ पे माइनिंग में वहाँ काम के लिए गए हुए थे और करीब 1 से 1.5 महीना होने जा रहा था उनको। उनका कहना ये था कि हमको वहाँ पे आने के लिए बोल रहे हैं और काम के लिए बोल रहे हैं और आने मिले इस प्रकार से। उसी ऐसा हमारे पास एक आवेदन आया था और उस आवेदन के पालन में हम विधिवत कार्रवाई करते हुए मंडला से जनसाहस की टीम के साथ में हमारी पुलिस पार्टी वहां पे पहुंची थी और वहां से उनको 5 लड़कों को प्रॉपरली रेस्क्यू करके ले आए हैं। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर चिल्लर नदी में सफाई करने लगे मजदूरों के खाने में इल्लियां मिलने के बाद हंगामा हो गया। मजदूरों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की, जिसके बाद मजदूरों को समझा बुझाकर दूसरा खाना उपलब्ध कराया गया। पूरे मामले में खाद्य विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। खबर देवास से, जहां पर किंदुरिया गांव में ग्रामीणों ने रंगे हाथ चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ लिया। आधे उसे खंभे से पहले बांधा गया और उसके बाद बताया जा रहा कि चोर बकरी चुराने के लिए आया था। उसके पास चोरी की एक मोटरसाइकिल भी मिली है। रात भर वो वहीं बंधा रहा, लेकिन सुबह किसी ने उसे छोड़ दिया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच करने में लगी है। खरगोन से खबर, जहां पर निर्माणाधीन मकान के पानी के टैंक में गिरने से 7 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों के साथ खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। आसपास के मजदूरों ने बच्ची को पानी के टैंक से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सीहोर के खजूरिया घेंघी गांव में तालाब में मिट्टी खोदते समय पाल धंसने से 4 लोग दब गए। इसके बीच चीख पुकार मच गई। गांव वालों ने मिट्टी में दबी 2 महिलाओं और 1 बच्ची और 1 पुरुष को बाहर निकाला। इनमें 2 महिलाओं का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तालाब की मिट्टी पीली होने की वजह से इसकी मिट्टी खोद कर घरों में इकट्ठा किया जाता है। घटना के दौरान 12 से ज्यादा महिला पुरुष बच्चे मिट्टी खोद रहे थे।
खरगोन के भड़वाली गांव के पास पीली मिट्टी की खदान धस गई। दो महिलाओं की दबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से खदान में दबी महिलाओं को निकाला। बताया जा रहा है कि मिट्टी खोदने के दौरान खदान अचानक से धस गई। करीब 5 साल के बाद हज यात्रा की शुरुआत है। इंदौर से करीब 137 यात्रियों का पहला जत्था एयरपोर्ट से रवाना हुआ। जत्थे में मालवा निमाड़ के 137 यात्री शामिल हैं। इनमें 22 साल की युवती से लेकर 75 साल तक की महिलाएं शामिल हैं। इंदौर एयरपोर्ट से यह जत्था हैदराबाद के लिए रवाना हुआ और हैदराबाद से ये यात्री सीधे जिद्दा के लिए रवाना होंगे। इंदौर के शहर काजी डॉक्टर मोहम्मद इशरत अली ने बताया कि पहली बार ऐसा किया गया है कि देश भर में किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट से यात्रा की जा सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इंदौर से फ्लाइट 18 जून तक प्रतिदिन रहेगी और करीब 145 यात्री रोज हज के लिए जाएंगे और करीब 2000 हज यात्री जेद्दा जा सकेंगे। बुरहानपुर में 7 जून से शुरू होने वाले मुमताज फेस्टिवल को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मॉडल और फिल्म अभिनेता फरहान खान भी यहां पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। मुमताज फेस्टिवल के आयोजक साहित्यकार वासिफ यार खान ने बताया कि यूरोप के कलाकार भी यहां कला का प्रदर्शन करेंगे। फिल्म अभिनेता फरहान खान ने बताया कि शाहजहां की बेगम मुमताज का बुरहानपुर से गहरा रिश्ता रहा है। मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई है और उन्हें यहां दफनाया गया था। दुर्भाग्यवश बुरहानपुर में ताजमहल नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि यहां टूरिज्म बढ़े इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनाब सैयद हसीबुद्दीन जागीरदार साहब, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नेहरू पार्क में एक बार फिर लोगों को छुक छुक की आवाज सुनाई देने वाली है। जी हां, यहां बच्चों के लिए टॉय ट्रेन फिर से आ चुकी है। राजस्थान के भीलवाड़ा से यह ट्रेन इंदौर पहुंच भी गई है। एक बड़े ट्रॉले में आए ट्रेन के इंजन और डिब्बों को नेहरू पार्क में बिछाई गई पटरियों पर उतार भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते में ही यह ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। स्मार्ट सिटी कंपनी की लेट लतीफी के चलते 13 साल से बच्चे ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू पार्क को पुराने वैभव में लौटाने का काम अब किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने 11 एकड़ में फैले नेहरू पार्क का करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किया है। इस टॉय ट्रेन का किराया 50 रुपए तय किया गया। सिवनी में एक बाघिन और उसके चार शावक मस्ती करते हुए नजर आए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व से वीडियो सामने आया जिसको देखकर किसी का भी मन गदगद हो जाए। ये खबासा बफर क्षेत्र में बीजा मट्टा बाघिन और उसके चार शावकों का वीडियो है। और अब कोरबा से आई एक मन को मोह लेने वाली तस्वीर दिखाते हैं। भीषण गर्मी के इस मौसम में एक बाज प्यास से तड़प रहा था तो एक शख्स ने बाज को पानी पिलाकर मानवता की मिसाल पेश की। बताया कि गर्मी में पानी के लिए तरसता यह बाज कृष्णा नगर निवासी दीपक दास महन के घर जाकर दीवार पर बैठ गया। ये बेजुबान बाज उड़ने में परेशान हो रहा था। ऐसे में दीपक दास ने उसे पानी पिलाया और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को सूचित किया, जिसके बाद इसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। कोंडागांव के बरकई में मतउर मेले का आयोजन किया गया। पुरानी परंपरा के अनुसार मतउर मेले में मछली पकड़ने के लिए 60 गांव के 2500 से ज्यादा ग्रामीण शामिल हुए। जिले में 14 साल के बाद मतउर मेले का आयोजन किया गया। 2008 में आखिरी बार ये आयोजन किया गया था। तालाब को लीज पर देने की वजह से इस परंपरा को बंद कर दिया गया था। क्या कभी आपने सुना कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार पड़ते हैं। पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी लू लगने से बीमार हो गए। राज परिवार की उपस्थिति में उनकी स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई।
15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। इससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल जाती है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। उन्हें दूध, दही, घी, फलों के रस से अभिषेक कराया गया। श्रद्धालुओं को भी भगवान जगन्नाथ का अभिषेक करने का मौका मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।